वर्ड फाइल में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये वर्ड फाइल है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को मतलब वर्ड फाइल, ओके। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद नौकरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो नौकरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, यू कैन ऑल सी द स्क्रीन ना, माय वॉइस इज ऑडिबल? आप लोग करोगे तो कॉल्स का रेशियो इंप्रूव हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। नंबर वन, मेक श्योर इट इज कंप्लीट 100%, ठीक है, 100% कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। द प्रोफाइल हैज टू बी 100% कंप्लीटेड, ठीक है, needs to be 100% complete, उसमें दिखाना चाहिए 100% complete है कोई भी केस में, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर टू, अब अपडेट करिए अपना प्रोफाइल को, अपडेट योर प्रोफाइल, ट्राई टू अपडेट मिनिमम 3 times इन अ डे एज मच एज पॉसिबल इफ यू आर अ एक्टिव जॉब सीकर, इन अ डे यू विल बी बेटर, मे बी 10 times a week, कैसे कर सकते हो, वेरी इजी है, इन अ वीक मोबाइल में आप रखिए अपना, ठीक है, ट्राई टू कीप इन गूगल, ओके, जैसे गूगल है फॉर एग्जांपल, मैं ये खोल रहा हूँ, ठीक है, ये खोला, फेवरेट सेक्शन में जाइए, फेवरेट में रिकॉर्ड्स को सेव करके रख लीजिए फेवरेट में, तो आपको ईजी रहेगा, फर्दनी आप जाके वो कर लिए अपडेट कैसे करेंगे, क्लिक करके मतलब अपडेट कर लीजिए, बस कुछ ना कुछ सेव कर लीजिए उसको खोल के, तो इससे क्या होगा, अपडेट करते रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ आपको कुछ नहीं करना है, एडिट करके यू जस्ट हैव टू सेव इट, दैट मच इज अपडेटेड फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये चीज आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इट विल ऑटोमेटिकली शो दैट इट इज अपडेटेड, कुछ ना कुछ चेंजेस करके आपको अपडेट करते जाना है एवरीडे, व्हाई, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द लॉजिक, इसके पीछे क्या लॉजिक, अपडेट करने से क्या फायदा होगा, व्हाट इज द बेनिफिट, ताकि सामने वाले रिक्रूटर को लगे कि हाँ ये नौकरी पे एक्टिव है, यस डेफिनेटली, ओके, सो रिक्रूटर एक्चुअली सर्च करता है, द रिक्रूटर सर्चेस ऑन हु आर द मोस्ट एक्टिव कैंडिडेट्स, ओके, हु हैज अपडेटेड देयर प्रोफाइल, तो इफ यू आर अपडेटिंग योर प्रोफाइल योर रैंकिंग विल इंप्रूव, ओके, तो रिक्रूटर सर्चेस अगर एक्टिव प्रोफाइल्स को देखते हैं, एक्टिव प्रोफाइल आपका ज्यादा करके चांसेस, अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो आपका रैंकिंग ऊपर जाएगा, एंड यू आर एन एक्टिव जॉब सीकर, ओके, एक्टिव प्रोफाइल सीकर्स को वो लोग ज्यादा करके वो करेगा, तो अपडेट करते जाइए, मतलब कुछ ना कुछ करके अपडेट, मोबाइल से अपडेट करिए, इससे करिए, अपडेट करते जाइए, स्क्रॉल करके अपडेट कर दिए, कुछ ना कुछ चेंज कर, कुछ भी आपने एडिटिंग बटन कर सेव करके उसमें दिखाना चाहिए कि योर प्रोफाइल हैज गॉट अपडेटेड, ऐसे करके एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, ठीक है, योर प्रोफाइल हैज गॉट अपडेटेड, ऐसे करके कुछ भी ऐसा मैसेज आ जाना चाहिए, हैज गॉट अपडेटेड, ऐसे कुछ भी मैसेज आ गया तो मतलब अपडेट हो गया आपका, अपडेट करते जाइए, अपडेट जितना करेंगे देखिए वो फर्क पड़ने वाला है उनका, ठीक है। नंबर थ्री, ओके, आपका जो हेडलाइन होगा ना वो कैची होना चाहिए, ठीक है, हेडलाइन कैची होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ हेडलाइन में पहले तो हमेशा याद रखें इमीडिएट जॉब सीकर लिख लीजिए, इमीडिएट जॉब सीकर, ठीक है। अब आप मान के चलो आप अगर सेमी सी ए है, ठीक है, तो सेमी सी ए है लुकिंग फॉर जॉब, ओके, लुकिंग फॉर अ जॉब, अब क्या, अब जॉब किस चीज में, ये चीज बहुत जरूरी है, तो अपना लिमिटेशन जानिए क्या जॉब आपको चाहिए, तो जॉब हो सकता है या ऐसे लिख सकते हैं सेमी सी ए वर्किंग इन एक्स वाई जेड फॉर्म जो भी है आपका, ठीक है, एबीसी लिमिटेड जो भी है आपका एबीसी फॉर्म है, ठीक है, तो इसमें फॉर्म में आप काम कर रहे हो, फिर वर्किंग इन दिस और नॉट वर्किंग जो भी है आपका है केस, ओके, स्किल्ड इन व्हाट वो लिख दीजिए, स्किल्ड लिखिए अपना, स्किल ऊपर में लिख दीजिए अपर में कि मेरा स्किल ये है या एक्सपीरियंस जो भी आपका है, स्किल स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इन स्टैटिटरी, जो भी आपका स्किल है, स्टैटिटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ज्यादा करके ये सभी होता है, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो भी आपका है,
तीन चार तो स्किल एटलीस्ट लिखी है कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग में इजी हो, इंटरनल ऑडिट, दीस आर द थिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जितना आते हैं वहां पर मैंने, ठीक है, उतना आपको दे रहा हूँ. रेडी टू रिलोकेट एनीवेयर, रेडी टू रिलोकेट एनीवेयर अगर वो है आपका प्रेफरेंस तो और अच्छी बात है. या आप अगर वर्क फ्रॉम होम ही खोज रहा है तो इमीडिएट जॉब सीकर, इमीडिएट जॉब सीकर, मैन के चलिए सी एक्सपीरियंसड है या सी एफ्रेशर है, जो भी आपका लिखिए एक्सपीरियंस अप टू एक्स ईयर्स. स्किल क्या चीज़ है वो लिखिए, आपका स्किल आपने कहाँ पर काम किया, कंपनी का नाम लिख दीजिए, क्या कंपनी का काम किया, आप क्या चीज़ में स्किल्ड है एंड एक्सपीरियंस क्या चीज़ में है, ठीक है, ये लिखिए. और आपको क्या चाहिए, वेदर रेडी टू रिलोकेट और वर्क फ्रॉम होम चाहिए, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आपको और वर्क फ्रॉम होम. आवाज कम करिए, आपका भी एक्सपीरियंस खराब होगा, म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है. वर्क फ्रॉम होम, राइट, वर्क फ्रॉम होम, वट एवर योर एक्सपीरियंस, ये प्रॉपरली लिखिए, कैची हेडलाइन होना चाहिए प्रॉपरली. इवन आई थिंक सो इन लिंक्डइन दिस शुड बी द सेम स्ट्रेटजी दैट शुड बी अडॉप्टेड, कि आप एकदम एक्जैक्टली लिखिए आपको क्या चाहिए. अब आया तो ये मेरा इमीडिएट जॉब सीकर है, And this is the ready to relocate and this and work from home job I am looking for. अगर आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो लिखिए डायरेक्टली ये वर्क फ्रॉम होम जॉब ही चाहिए, डायरेक्ट अपना रिक्वायरमेंट लिखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिंक्डइन में आपका एक होता भी ओपन टू वर्क वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. नंबर फोर होता है की स्किल्स का कॉलम होगा आपका, ठीक है. यहाँ तक आपको याद हुआ एक बार के लिए कोई रिपीट करेगा, आई थिंक नवदीप आप बताइए, मैंने तीन पॉइंट क्या क्या चीज बताया naukri.com में. मैंने अभी अभी ज्वाइन किया था. तो कौन पहले से ज्वाइन किया था उनको बताएगा, रिपीट करेंगे जो इजी रहेगा बाकी को. हाँ मनीष, मुझे आपका आवाज आ रहा नहीं है एक्चुअली. आपका आवाज नहीं आ रहा है, एक बार कोई और साक्षी या आर यू देयर. यस सर, बट माय हैविंग अ पुअर कनेक्शन. ओके, और कौन है इधर में जो एक बार के लिए ये स्टार्टिंग में क्या क्या पॉइंट्स बोले एक बार रिपीट करेंगे. एनीबॉडी, आई डोंट वांट टू गेट द 100% कंप्लीशन. ठीक है, अब एंड आपका प्रोफाइल को मिनिमम 3 times a day or 10 times a week आपका अपडेट कर दो, ताकि बार बार वो फ्लैश भी हो. एंड देन हेडलाइन को आपको लिखना पड़ेगा इमीडिएट जॉब सीकर, एंड जो भी आपका है सेमी हम आपको बता देते हैं. आप फेवरेट सेक्शन में इसको वो कर लीजिए, फेवरेट सेक्शन में कंप्यूटर में वो कर लीजिए सेव, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं होगा. या मोबाइल में डाउनलोड करके रखिए, मोबाइल में डाउनलोड नौकरी ऐप, नौकरी ऐप को डाउनलोड करके रखिए, तो इट विल बी इजी, आपका हैबिट बन जाएगा अपडेट करने का. जितना ज्यादा अपडेट करेगा उतना ज्यादा चांसेस है कॉल आने का, चांसेस इम्प्रूव होगा. और एंड जो भी चीज में आपके स्पेशलाइजेशन है, जो भी जितना भी एक्सपीरियंस है, बी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फाइनेंस या जो भी है, एंड अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो आप वो लिखो, और अगर आप रिलोकेट करने के लिए रेडी है तो आप वो लिख दो. खोज रहे हो, राइट, तो एचआर के लिए आप आसान कर दोगे पूरा लिख के, तो आसान से आपको पहुंचा जाएगा. अब आपको वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए और आपने लिखा भी नहीं है, और आपको फिर एचआर को भी डिस्टर्बेंस होगा, तो जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है और इमीडिएट जॉब सीकर हमेशा लिखेगा, जो मैं बोला ना आपको स्टार्टिंग में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इमीडिएट जॉब सीकर, बहुत फर्क पड़ जाएगा. इमीडिएट जॉब सीकर हमेशा लिखना है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सब कीवर्ड्स है विच यू शुड बी राइटिंग. की स्किल्स, ओके, की स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ की स्किल्स जनरली व्हाटएवर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफाइल और एमबीए फाइनेंस का प्रोफाइल और बीकॉम एमकॉम जो भी प्रोफाइल है, तो जो आपको वर्क प्रोफाइल होता है, व्हाट इज योर वर्क प्रोफाइल, वो वर्क प्रोफाइल के अंदर में आपको काम कब बोलना है, वट आर द की वर्ड, ओके, विच यू शुड बी राइटिंग. ऑडिट, ओके, ऑडिट खाली लिखना है. एचआर ऑडिट, ऑडिट ऐसे सर्च करेगा, अकाउंट्स ऐसे सर्च कर सकता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ओके, तो 250 की वर्ड आई थिंक सो यू कैन राइट अप टू 250, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अप टू 250 वर्ड्स आई थिंक सो मे बी यू कैन राइट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, ओके,
तो आप पहले देख लो कि आपको कौन सा प्रोफाइल में ज्यादा करके चांसेस आपका लग सकता है उस हिसाब से, और आपने क्या काम किया है इससे पहले, स्टेट्यूटरी ऑडिट, फिर क्या इंटरनल ऑडिट, जो भी आपका जो प्रोफाइल्स है जिस तरीका का है, यू आर फ्रॉम MBA फाइनेंस बैकग्राउंड तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग लिख लीजिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर आपको आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए, वैल्यूएशन वैल्यूएशन जो काम उसका डिमांड है, फिर फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर टू कैश का आदमी चाहिए, ऑर्डर टू कैश, आर टू आर, और देखिए ऑर्डर क्या मांग रहा है, आर टू आर, पी टू पी, पी टू पी, दिस आर द डेटा एनालिटिक्स। तो जो जो चीज का प्रोफाइल है और जो प्रोफाइल में आपका आपने इतना साल से काम किया है, तो वो आपको जितना ज्यादा कीवर्ड्स आप लिखोगे उतना आपको चांसेस रैंकिंग करने में इजी रहेगा, मर्जर्स, समझ गए ना, ये सारा आपको कीवर्ड लिखना है। और क्या लिख सकते हैं, टैक्सेशन, ठीक है, तो दिस आर ऑल द प्रोफाइल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जीएसटी भी लिखेंगे, कोई जीएसटी करके सर्च करेगा तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी तक मैंने चार पॉइंट्स आपको बता दिए ऑलरेडी, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कहीं पर नहीं मिलेगा जल्दी से, आपको बता देते हैं, ठीक है। अब आता है नंबर फाइव, ओके, योर योर नोटिस पीरियड एंड योर योर सीटीसी, ठीक है, एंड सीटीसी। अब जनरली क्या होता है, लोगों का नोटिस पीरियड 3 महीना ही होता है, जनरली द नोटिस पीरियड इज हाउ मच, 3 मंथ्स, ओके। तो अवॉइड दिस एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज अब 3 महीना लिखोगे तो कॉल आने का चांसेस कम रहेगा, तो दैट इज द थिंग, आई एम रिकॉर्डिंग द कॉल ना, इट्स द सेकेंड, दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, ग्रेट, ठीक है। मुझे ये प्रोफाइल चाहिए सबका, जितना जल्दी आप लोगों को नौकरी चाहिए तो उतना ही है, हमको चाहिए भूखा शेर नौकरी के लिए, तो ये वाला काम बनना बहुत जरूरी है आप लोगों को, जल्द से जल्द मेरे को चाहिए। तो मैं तो बोलूंगा कल संडे तक मेरे को प्रोफाइल अपडेट करके दो रिव्यू करने के लिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, दैट मींस कि आई एम ऑल्सो पुटिंग माई एफर्ट्स फॉर यू, सो आई नीड दैट एफर्ट फ्रॉम योर एंड ऑल्सो, ठीक है। तो नोटिस पीरियड जनरली कितना होता है सबका, नॉन 3 मंथ्स होता है जनरली, राइट, तो ये 3 मंथ्स नहीं लेके आप उसमें उसमें कमती दीजिए नोटिस पीरियड जितना हो सके, ठीक है, जैसे क्या होगा आपका चांसेस, आपका कॉल आने का चांसेस इंप्रूव हो जाएगा, बाद में आप बोल सकते कि मैंने अपडेट करने का टाइम इतना अपडेट नहीं कर पाया, ठीक है, तो कीप इट लेस शॉर्ट एज पॉसिबल ना, बाद में जाके वो हो जाता है अगर आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाए तो, दिस इज स्ट्रेटेजी यू कैन गेट मोर कॉल्स, ओके। देन आई टेल्ड यू अबाउट सीटीसी, ओके, तो सीटीसी आपका आप 0 दे दो, अगर 0 का ऑप्शन आता है तो 0 ही दो, अपडेट ही मत करो, जितना कम सीटीसी 0 के आपका ज्यादा करके चांसेस है कि आपका कॉल आ जाए, मतलब क्योंकि फिल्टर में वो चढ़ने में ज्यादा ईजी रहता है, तो करेंट सीटीसी होता है, करेंट सीटीसी वो सब, तो अगर उसमें ऑप्शन आ रहा है आपको अगर 0 देने का, तो उसको 0 ही रखिए, मतलब एक्सपेक्टेड वगैरह वो सब कुछ डालिए मत, जितना आप कम डालोगे उतना चांसेस आपका कॉल आ जाए, रैंकिंग में इजी रहता है, और उसको चेंज करते रहिए एल्गोरिथम के हिसाब से चेंज करते, बस सीटीसी इतना कम कोड करोगे आप कॉल आने का चांसेस इंप्रूव होता है, ठीक है। तो मे बी अगर ऑप्शन है कि उसको उसको फिलअप नहीं करना है तो फिलअप मत करिए, ओके, नहीं तो कम से कम देने का कोशिश करिए जितना हो सके, ओके, तो वो एक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तक नोटिस पीरियड बता दिया, सीटीसी आपको बता दिया, नेक्स्ट थिंग होता है आपका नंबर 6, ईमेल आईडी एंड जो भी आपका ई फोन नंबर है उसको वेरीफाई करवाइए naukri.com से, क्योंकि क्या होता है कितना बार कॉल नहीं आता है, फिर फोन नंबर से वेरीफाई कराइए, ओटीपी वोटीपी आना चाहिए आपका जो नंबर में, और ये सीवी का नंबर के साथ मैच होना चाहिए, याद रखिएगा, रेज्यूमे में जो मोबाइल नंबर दिया है रेज्यूमे में आप वॉट एवर इट शुड मैच विद द नौकरी प्रोफाइल एंड रेज्यूमे बोथ शुड मैच, ठीक है, ये चीज उसमें ज्यादा करके डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड शुड मैच की कॉल आए तो कॉल रिसीव कर लो जल्दी से जल्द। नेक्स्ट थिंग, रिसीव कॉल्स, यू गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स, ओके, बट यू डोंट रिसीव कॉल्स, एंड चेक योर ईमेल्स, चेक योर ईमेल्स, कल या परसों एक जन का आया था कॉल, कैसे आया, naukri.com से, एंड सी चेक द ईमेल एंड सी रिवर्ट इट बैक, तो जितना आप अगर ईमेल आपका आ रहा है यू रिवर्ट बैक वेरी क्विकली, देन देयर इज अ चांसेस दैट यू माइट गेट, देन देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन कॉल जो नौकरी अलर्ट बोल के होगा, तो उस अलर्ट कौन करके रखिए, नौकरी अलर्ट, जॉब अलर्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, तो दैट कैन रियली हेल्प, ओके, दिस आर द थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दिस, सेकेंड, कीवर्ड्स अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन कॉलम होगा आपका, जॉब डिस्क्रिप्शन कॉलम जो आपका डिस्क्रिप्शन बोलते हैं आपका कैंडिडेट देने का जो भी है, तो उसमें अच्छा से अपने बारे में एक्सप्लेन करिए, आपने क्या क्या काम किया है, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन जो बोलता है
यहाँ पर आप पूरा अपना एक्सप्लेन करते हो अपना प्रोफाइल को, तो मेक श्योर आपने प्रॉपर अपना एक्सप्लेनेशन किया है कि मैंने यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर काम किया एंड दिस ईयर आई हैव वर्कड आउट हियर, अपना फंक्शंस को पूरा एक्सप्लेन करिए प्रॉपरली, बिकॉज एचआर विल गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन. तो उसको जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करोगे आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या स्किल्स है आपका, तो उसके लिए ज्यादा ईजी रहेगा आपको शॉर्टलिस्ट कराना. देन वट एवर प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, तो मेक श्योर इट्स 100% कंप्लीटेड, बिकॉज यहाँ से काफी कॉल जाने का इंप्रूव हो जाएगा रेशियो. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अपडेट करना एंड दिस की स्किल्स कॉलम. इफ यू अपडेट दिस की स्किल्स कॉलम प्रॉपरली, हाई चांसेस की दैट एंड कि आपका हो जाए. और दूसरा मेरे हिसाब से आपका ये जो आपने स्टार्टिंग में ये जो लिखता है ना, लुकिंग फॉर अ इमीडिएट जॉब सीकर, ये जो कीवर्ड है इमीडिएट जॉब सीकर आपने कंप्लीट दिया, ये इमीडिएट जॉब सीकर हो गया, ये हो गया. फिर उसके बाद आपका ये जो आपने जो लिखा ये सब क्या क्या चीज स्किल्ड है, कौन सा रिलोकेट आप होने को रेडी हो, प्लस आपने वर्क फ्रॉम होम चाहिए, प्लस आपको कौन सा कंपनी में जाने का मन है, वो एक थोड़ा सा आप लिख के रखो कि आई वांट टू गेट इन टू बिग फोर और दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो वो ज्यादा करके आपको ईजी रहेगा एचआर को आपको शॉर्टलिस्ट कराने में. यू हैव टू बी हेडलाइन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, इमीडिएट जॉब सीकर लिखा रहना चाहिए, ठीक है. ये फेवरेट सेक्शन में आप कंप्यूटर में लिखिए, अपडेट करने में आपको ईजी रहे, ठीक है. तो दीस आर द 7 पॉइंटर्स विच आई टोल्ड यू, 7 to 6, 6 to 7 पॉइंटर्स, जो कि आपको 8 9 पॉइंट्स हो गया. तो ये पॉइंट्स अगर आप रखोगे तो देर इज हाई चांसेस कि आपका कॉल आने में कोई दिक्कत आएगा नहीं, यहाँ पर कॉल्स आने का चांसेस इंक्लूड डेफिनेटली हो जाएगा आपका, ठीक है. तो इसको लेके कोई डाउट तो मेरे को एक बार पूछ लीजिए कोई भी चीज को लेके इसमें, नहीं ठीक है. तो ये पॉइंट्स मैं एक बार के लिए किसी से सुनना चाहूंगा, तो कौन बोलेगा सारा 9 पॉइंट्स, और मैं एक जन का रिव्यू भी करना चाहूंगा, एक एक जन का प्रोफाइल भी, और फोटो एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग को फोटो भी देना बहुत जरूरी है अपना नौकरी प्रोफाइल में, फोटो एंड दैट हैज टू बी वेरी प्रोफेशनल फोटो. तो फोटो इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो फोटो यू शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फोटो क्वालिटी. जब फोटो दोगे जिस तरीका से आप दिखा रहे हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा, ये दोनों चीज में आपको, और द फोटो शुड मैच, ओके इट विल बेटर, ओके फोटो शुड मैच बोथ द एरियाज, मैच इन इन बोथ लिंक्डइन एंड योर दिस naukri.com, ये वाला चीज आपको मैच होना चाहिए. तो हाउ मेनी पॉइंट्स आई हैव टोल्ड, ओके इसको सेव कर लेते हैं जस्ट अ सेकेंड. तो मैंने अभी तक 10 पॉइंट्स बताया, तो आई वॉन्ट यू टू रिपीट, ओके अंकित सरकार क्या क्या पॉइंट्स मैंने बोला था. सर फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने सर ये सीखा, वीडियो ऑन कर लीजिए. हाँ सर फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने ये सीखा कि हम लोग का जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट होना चाहिए, और हर दिन एटलीस्ट 3 टाइम्स a day हम लोग को अपडेट, और मिनिमम 5 टाइम्स a week हम लोग को अपडेट करना गुड होगा. गुड 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 ओके. और पंकज 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 अग्रवाल, हेलो, हाँ जी, हाँ यस माय बार ऑडिबल, यस यू आर ऑडिबल, यस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज आवर लेटेस्ट फोटोग्राफ, वी शुड मैच आवर लिंक्डइन प्रोफाइल आल्सो, बिकॉज़ इफ वी गॉट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू आवर फेशियल रिकॉग्निशन शुड मैच as a same profile, and we should doesn't expect much expectation from in regard to compensation. We should lower our citizen in the profile also and ज्यादा ज्यादा not कॉल disclose आएगा the exact नहीं amount. नहीं हाँ Not disclose the exact amount of expectation. We should mention a certain percentage of hike if necessary. as much as possible लोअर रखेंगे सीटीसी, तो आपका कॉल आने का चांसेस इंप्रूव हो Yes. जाता है, कि बाद में क्या आप लोग जब कॉल के टाइम बोल सकते हैं कि आई हैव नॉट अपडेटेड माय प्रोफाइल, आई मिस दैट पॉइंट, तो दैट कैन बी डन. तो यू कैन टेक अ कॉल दैट वे कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू बाय हिट एंड ट्रायल, ठीक है. साई मनोज, साई मनोज व्हाट आर द अदर पॉइंट्स, साई मनोज हेलो एम आई ऑडिबल यस यस ऑडिबल, वीडियो ऑन कर या लीजिएगा प्लीज अपना, स्किप वीडियो ऑन कर या लीजिएगा. वन सेकंड. अब आफ्टरनून का सेशन आया नहीं, काफी इंपॉर्टेंट था, उसमें सब कुछ हो जाता ऑलमोस्ट.
Key skill section should be will be the most important section, and we have to mention immediately job seeking. Immediate job seeking, and profile description we have to mention where we have worked, and if possible which company we are interested in. And प्रोफाइल 100% कंप्लीट होना चाहिए, देन प्रोफाइल अपडेट करना है मिनिमम 3 times a day एंड 10 times. Then, catchy headline होना चाहिए, then key skills update करना है, और try to put immediate job seeker, so chances are more. Then try to put notice period less than 3 months. It will also help. And current CTC, so current CTC we can put 0, and expected CTC try to put is as low as possible. Low as possible, I can tell you. Yes. और review करते रहिए, call कितना आ रहा है, call का ratio improve हो रहा है क्या, just review करते रहिए, कुछ करने से हर दिन कुछ keywords change करते रहिए, key skills वगैरह update करते रहिए, कुछ ना कुछ changes. Resume update करके डालते रहिए, कुछ ना कुछ resume, 2-3 resume बना लीजिए, कभी resume डालिए, कभी वो resume डालिए. क्या होता है ना, आप लोग changes करते रहोगे, algorithm naukri.com का काम करता है, तो वो लोग HR को देखता है कि हाँ ये active job seeker है, तो there is a high chances you might get a call. And these tricks have helped many. And key skills is the most important thing. Don't forget the key skills. Key skills मतलब जो profile में आपको जाना है, तो जितना ज़्यादा key skills सीखोगे, order to cash, procure to pay, hire it, जो भी आपका जो key skills आप देख रहे हो, job description में बहुत सारा key skills लिखा रहता है. Audit में चाहिए, financial reporting चाहिए, Excel चाहिए. Excel मत लिखेगा, Excel तो सब कुछ common हो गया, right? तो Excel लिखे मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा फायदा होगा. Excel तो common चीज़ है, right? पर जो profile का नाम होता है, due diligence, financial due diligence. आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर मेरे को ले लेगा, तो वो भी आप देखिए, आपको ले लेगा, तो की स्किल जितना हो सके पूरा लिखिए, 250 कीवर्ड्स. ईमेल्स एंड ईमेल्स एंड फोन नंबर वेरीफाई करना है, सो दैट वी कैन गेट इट. मोनिका गौतम, देखिए आपका मोनिका गौतम, आप अटेंटिव हो, छोड़िए आपको बहुत पूछ लिए थे, आप डिस्टर्ब हो जाओगे. अंशुल को पूछते हैं, अंशुल, अंशुल ये सुबह नहीं आए थे आज, अंशुल तावड़ी. अंशुल तावड़ी, ये हमको पता चल जाता कौन अटेंटिव है कौन नहीं है. अंशुल तावड़ी, ठीक है, कि यहाँ पर प्रॉब्लम है. अंशुल तावड़ी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अंशुल तावड़ी, सुबह भी नहीं आए थे आप, बोलिए, आवाज आ रही है ना मेरे को मेरी? अभी तक क्या क्या डिस्कस किया था पॉइंट्स? साक्षी, साक्षी गुप्ता जी सर, बोलिए. मैं बाद में एंटरटेन नहीं करूंगा अंशुल, अगर आप अभी जवाब हमको नहीं मिला, वही चीज है, फिर मैं ना रिकॉर्डेड दूंगा ना कुछ दूंगा, बिकॉज आई नीड कंप्लीट अटेंशन, बिकॉज otherwise it is not, it will not really help you all me. हाँ, तो वो चीज़ है. चलिए सक्सी, बोलिए. So we need to keep our profile 100% completed. We need to update 3 times in a day and 10 times in a week. Like anything we can update it. Update कुछ भी आपके लिए मतलब होता है ना? आपको मेन चीज है कि कुछ भी करके प्रोफाइल को एक बार टच किए और फिर सेव कर दीजिए. ऑप्शन आता है सेव करने का, जो सेव कर लीजिए, मतलब उसमें आ जाना चाहिए कि आपका प्रोफाइल हैज गॉट अपडेटेड. बस कुछ भी करके बस उसको लगना चाहिए एचआर को कि ये एक्टिव जॉब सीकर है. ओके, देन लाइक यू हैव सेड अबाउट रिज्यूम अपडेट, वी कैन अपडेट आवर रिज्यूम आल्सो ऑन अ बेसिस. की स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अपडेट की स्किल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
immediate joiner, we need to see immediate job seeker, that mm-hmm. is main. Mm-hmm. And in a current and expected minimum or if possible, keep it zero. That mm-hmm. gives us more chance. Need to check mails regularly, and if any mails, I need to revert it immediately. Mm-hmm. And the job description, so all these points. आप अटेंटिव हो ऑलमोस्ट ऑल. अंशुल तावरी आपका हम बाद में बात करेंगे क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. इंटरनेट का तो आई विल नॉट अंडरस्टैंड एनी माना. देखो हम लोग इतना साल से कर चुके हैं, इंटरनेट कहीं का खराब नहीं होता है. तो यू आप लोग अगर बंद कर रहे हो तो देखिए कि ये चीज आप लोग को है, आप लोग को जॉब चाहिए. मेरा क्या है, हमें कोई भी टीचर हमको बता देता है, वो टीचर बोल के चला जाएगा, आपको मतलब ही नहीं, आपको आपको समझ में आया कि नहीं आया. बट आई एम एक्चुअली पुटिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन यू that you implement those skills, right? And that is the best part of our program. We are actually helping you to implement. नहीं तो YouTube में already पढ़ा है, YouTube में जाके देख लीजिए, पर implement कोई नहीं करवाता है. And you all guys appreciate that, right? Implement कोई नहीं करवाएगा आपको, बोलता देता है पकड़ पकड़ के. Yes, sir. You're all grown up, right? वही बात हो गया. तो it's very important, okay? All are so grown up. तो please इसको एकदम seriously लीजिए. मेरे को कल तक actually चाहिए ये. आज कितना बजे, 5:17 मिनट हुआ है. I know tomorrow is Merry Christmas, okay? And you all have plans. पर मेरे को खाली एक छोटा सा ये होमवर्क चाहिए कि एटलीस्ट naukri.com अपने हिसाब से अपडेट करके कल हमको भेजिए. तो कल जैसे हो सकेगा तो हम लोग एक सेशन रख के फिर रिव्यू कर लेगा कि आप लोग ने कैसे करके अपडेट किया है. की स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जो हेडलाइन आप लोग लिख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ये कल तक मिल जाएगा आप लोग से क्या, मेरे को छोटा सा काम naukri.com को अपडेट करिए. कॉल तभी आएगा जब आप अपडेट से करेंगे. तो आई नीड टुमारो, ये चीज हमको चाहिए. उसमें जरूर लिखिए कि हाँ आई नीड. आपको फायदा होगा इससे, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड. नौकरी प्रोफाइल चाहिए मेरे को कल तक. हाँ, ये कॉल्स नौकरी से ही ज्यादा करके आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का. तो जितना अपना कोशिश करेंगे कॉल आ जाए तो अच्छी बात है ना. चलिए अब लिंक्डइन में आते हैं, ठीक है? एक बार के लिए कॉल को मैं अनरिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है? एक दूसरा करते फिर से आ जाइए सेशन में, ठीक है? दिस इज नेक्स्ट सेशन फॉर लिंक्डइन. सेम लिंक में ही आ जाइएगा, ठीक है?